दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाना चाहते हो, ताकि आपको अपने खर्चे के लिए बार बार अपने घर से पैसा ना लेना पड़े, या फिर आप अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, या फिर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, वेल क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड भी हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा, या फिर आप ऑलरेडी जॉब तो कर रहे हो लेकिन वहां से जितना पैसा आपको मिल रहा है उसमें आपको मजा नहीं आ रहा, तो ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ्री टाइम में सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, इन दो चीजों से पैसे कैसे कमा सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रात दिन मेहनत करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं उससे पैसे कमाऊं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं, वो 100% साफ सुथरे हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है और पूरी तरह से लीगल है। और सबसे मेन बात कि इस वीडियो में मैं किसी कंपनी का प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा अपनी ईमानदारी से बता रहा हूं। उन तरीकों के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उनमें आप किस तरह से ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितने ही आपके दोस्त बन जाएं, रिश्तेदार बन जाएं, कितने ही आप टैलेंटेड बन जाओ, लेकिन शाम को तो भैया खाने के लिए रोटी चाहिए ना, और घर का खर्चा भी चलना चाहिए, कंट्री की इकोनॉमी को भी ऊपर लेके जाना है। तो बहुत सारी चीजें होती है जहां पे अपने को पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूं, उनको आपको ठीक से जानना है। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आप ब्लेम करने लग जाओगे कि यार मेरी कमाई नहीं हो रही इसमें। इसलिए मुझे इस वीडियो में कोई लाइक या कमेंट नहीं चाहिए, केवल इस वीडियो को कुछ मिनट्स निकाल कर देख लीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार देख लीजिए कौन सा पैसा लग रहा है, लेकिन उस चीज को समझिए। तो चलो मेन बात पर आते हैं। देखो, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, यहां से आप बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला तरीका है एक्टिव इनकम और दूसरा तरीका है पैसिव इनकम। अब ये एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है? देखो, एक्टिव इनकम का मतलब है कि आपको पैसा तब तक ही मिलेगा जब तक आप उस काम को कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है और अगर उसकी एक दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती है तो क्या उसको पैसा मिलेगा? उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि काम बंद तो पैसा बंद। और हम में से अधिकतर लोग इसी तरह के जॉब के पीछे लगे रहते हैं। हालांकि ये बात सही है कि आप जितना फिजिकल काम करोगे उतना आप हेल्दी रहोगे, फिजिकल प्रोडक्ट बना पाओगे, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जिस दिन आप बीमार हो गए, या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो गया, अब वो फिजिकल काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी इनकम तो गई ना, ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, पैसिव इनकम। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लो किसी बंदे ने बहुत फिजिकल काम करके खूब पैसे इकट्ठे किए और फिर उन पैसों से 2 मंजिल का मकान बना दिया और फिर उसको किराए पर दे दिया। तो अब ये बताओ, अगर वो 10 दिन तक बीमार हो गया तो क्या उसकी इनकम कम होगी? नहीं होगी, क्योंकि किराया तो आएगा ही। यही इस पैसिव इनकम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि पहले बंदा एक्टिव काम कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदल लिया। अब इस पैसिव इनकम का निगेटिव पॉइंट क्या है? इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि आप डायरेक्ट पैसिव इनकम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए आपको पहले एक्टिव काम करना ही पड़ेगा। जिस बंदे का मकान का किराया आ जाना शुरू हुआ है, उसने कभी ना कभी तो एक्टिव काम किया ही था ना, तो जो पैसिव इनकम की ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन जब एक बार हो जाती है तो फिर बंदा बड़े आराम से रहता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपकी जब पैसिव इनकम आना चालू हो जाए तो आप एकदम घोड़े बेच के सो जाओ, क्योंकि जितना आप काम करोगे कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी उतना ही अच्छा है। लेकिन पैसिव इनकम से दिमाग में टेंशन नहीं होती कि अगले महीने काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मैं तरीके अब आपको बताने वाला हूं, उनमें से कुछ एक्टिव इनकम है, कुछ पैसिव इनकम है, दोनों को मिला करके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम आता है फ्रीलांसिंग का। दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि पैसे लेकर के किसी दूसरे को या किसी कस्टमर को कोई सर्विस देना। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो आप घर बैठे किसी को दे सकते हो। अब सोचोगे क्या? तो मान लो आपको फोटो एडिट करने का बहुत शौक है, तो आप अपने उस शौक को थोड़ा सा और सीरियस बनाओ, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, और जब आपको लगने लगे कि हाँ यार अब मैं अच्छी खासी फोटो एडिट कर लेता हूँ, तो आप उस काम को बदल सकते हो इनकम में। किसी भी कंपनी का लोगो बना सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हो, किसी फेसबुक पेज का लोगो बना सकते हो, किसी फेमस इंस्टाग्राम चैनल से बात करके उसकी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जितने भी तरह के फोटो से रिलेटेड काम है वो आप सब कर सकते हो। थोड़ा और उसको एडवांस करोगे तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो। और इसके लिए आपको करना क्या है? घर पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो आपके पास फोटो एडिटर है उसी में आपको दिमाग लगाना है। तो ये कैसे कर सकते हो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये मैंने एक बेसिक सा आइडिया दिया आपको फोटो एडिटिंग का। इसके अलावा मान लो आप लिखने में बहुत अच्छे हो, किसी मूवी की कहानी लिख सकते हो, या फिर आप किसी गाने की लिरिक्स लिख सकते हो, यहां तक कि आप किसी का रिज्यूमे भी बना सकते हो, तो वो भी फ्रीलांसिंग के अंदर ही आता है। इसके लिए कुछ बहुत ही फेमस वेबसाइट्स है जिन पर आप जाकर के अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से अपना अकाउंट बना सकते हो। उनमें से 2 वेबसाइट मैं आपको बताता हूं। पहली है फाइवर और दूसरी है अपवर्क। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इन पर एक बार अकाउंट बनाने के बाद में आपको फिर अपनी प्रोफाइल पर ध्यान देना होगा। कुछ दिन के लिए कम रेट पर काम करना होगा, लेकिन एक बार जैसे ही आपको अच्छी रेटिंग मिलना शुरू हो जाए आप अपनी प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। अब बात आती है कि भाई यहां से कितना कमा सकते हो? तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है पहली साल में कुछ भी ना कमा पाओ और हो सकता है उसके दूसरी तीसरे साल में आप लाखों रुपए छाप रहे हो। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपकी इमेज बन जाएगी ऑनलाइन तो फिर आपके लिए पैसा ही पैसा है। आप लंबे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो।
इसके बाद बात करते हैं YouTube। दोस्तों YouTube पे आप लोग नॉर्मली वीडियो देखते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने YouTube से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो? वो कैसे? मान लीजिए आप अच्छे खासे वीडियो बनाते हो, आप में कॉमेडी का टैलेंट है, आप गाना अच्छा गाते हो या फिर आप लोगों को मोटिवेट करते हो, तो क्या होता है जब आपके अच्छे खासे फॉलोअर हो जाएंगे, जब आपको अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे, तो आपको एक प्रोग्राम है गूगल एडसेंस का, वहां पर जाकर के आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद में जो आपके वीडियोज है उन पे एड आना चालू हो जाएंगे। तो जितने आपके व्यूज आएंगे, जितने आपके एड्स आएंगे, उतनी ही आपको कमाई होगी। इसके लिए आप में कोई ऐसी खूबी होनी चाहिए जिस पर आप अनलिमिटेड वीडियोस बना सको। और वीडियोस बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बना करके डाल दो, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, किसी की कॉपी कर लेंगे, किसी का वीडियो उठाया अपने चैनल पे डाल दिया, किसी की स्क्रिप्ट उठाई अपने चैनल पे डाल दी। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, जहां पर आज आप हो वहीं पे रह जाओगे। जब तक आपके काम में ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बनाओगे जो और कहीं पे नहीं मिल रहा, तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई यूट्यूब से कितना कमा सकते हो। अब इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको मंथली सैलरी मिलेगी 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन जितना काम आप करोगे, जितने व्यूज आपके आएंगे, उसके हिसाब से आपको कमाई होगी। और अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो यकीन मानो पैसा काफी मिलेगा। लेकिन अगेन बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी की कॉपी नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप गलती करोगे आपका पूरा चैनल खत्म हो जाएगा। और यूट्यूब से अर्निंग एक तरह की पैसिव इनकम है। जब एक बार पैसे कमाना आप चालू कर दोगे, तो उसके बाद में आप चाहे वीडियो डालो या ना डालो, आपको कुछ ना कुछ पैसा तो आता रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग की। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? देखो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो कभी ना कभी जरूर करी होगी। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप बहुत सारे आइटम्स मंगाते होंगे, मोबाइल मंगाते होंगे, या फिर दोस्तों को सजेस्ट करते होंगे कि भाई ये खरीद लो। तो आपको क्या करना है, अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। मान लीजिए आपने अमेजोन पे कोई एक ऐसा स्पीकर देखा जो आप कितने दिनों से यूज कर रहे हो, आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई मुझे भी स्पीकर चाहिए, तो आपने क्या किया, अफिलिएट का आपका अकाउंट है, आपने उस प्रोडक्ट की लिंक अपने दोस्त को शेयर कर दी। और जब वो दोस्त उसको परचेज करेगा तो उसका कोई फिक्स कमीशन होता है, 4%, 8%, 10%, अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग होता है, वो आपको बेनिफिट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास अफिलिएट का अकाउंट होना चाहिए, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं, और आपके पास में एक अच्छी खासी फॉलोइंग होनी चाहिए। चाहे आपके पास फेसबुक पर फॉलोइंग है, चाहे आपके पास इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे है, यानी कि आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को ऑनेस्टली बताना कि भाई ये चीज ऐसी है, और आपको उनको कन्विंस करना है कि भाई वहां से वो चीज जाकर के खरीदो, वो बहुत अच्छी है। एग्जांपल के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मैं अपने वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से आइटम्स को यूज करता हूं, और उन सब की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अगर आप वहां से जाकर के परचेज करोगे तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी की चीज तो मिलेगी, क्योंकि मैं वो सब चीजें यूज कर रहा हूं, उसके साथ साथ में मेरी भी कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। ये एक तरीका है अफिलिएट से पैसे कमाने का। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं शेयर मार्केटिंग की। शेयर मार्केटिंग को आप सब लोग जुआ के नाम से जानते होंगे, लेकिन भाई अगर जिसको इसमें बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो गया, जिसने बहुत अच्छी खासी स्टडी कर ली, उसको करोड़पति बनने में टाइम नहीं लगता। हालांकि ये बात भी सही है कि आपने कहीं पे गलती करी, आपने कहीं जल्दीबाजी करी, तो आप जो है करोड़पति से रोड़पति पे भी आ जाओगे। इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए, आपकी रिस्क एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बहुत सारा नॉलेज चाहिए आपको। हालांकि नॉलेज से भी काम नहीं होता, कई बार इसमें लक भी होता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप ऑनलाइन भी खोल सकते हो, 5paisa है, 0da है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप जो है ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो, या फिर आप बैंक से भी खुला सकते हो, आपके पास में HDFC का है, SBI का है, वहां से भी आप जो है डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वो सब बेसिक चीजें चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपना एक सेफ मार्जिन देखना है कि भाई इतना पैसा मेरे पास में है, कहीं ऐसा नहीं कि आप पूरे पैसे लगा दो फिर बैठ जाओ आपको वो भी घाटे में गया, आपके पास आज कुछ पैसे है ही नहीं। तो आपको एक रेंज अपनी फिक्स करनी कि भाई इतने पैसे मैं लगा सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास फ्री पड़े हैं, इनसे जो है मैं शेयर मार्केट खेल सकता हूँ। तो फिर आप उसमें जो है पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आप जो है इंट्राडे पे लगा सकते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए लगा सकते हो, या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात आती है वेबसाइट की। देखो, वेबसाइट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप वर्डप्रेस पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, और आप एक अच्छी खासी वेबसाइट बना करके तैयार कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पे कंटेंट लिखना है, आपको उस पे ब्लॉगिंग करनी है। जैसे मान लो आप वहां पे कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो, या फिर आप वहां पे कोई अच्छे अच्छे वॉलपेपर शेयर कर सकते हो, या फिर आप कोई वहां पे जानकारी दे सकते हो, कोई नुस्खे बता सकते हो। तो वहां पर फिर आप अपने पेज क्रिएट करना जो है वो शुरू करो। और जब आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, तो आप जो है गूगल एडसेंस, जो सेम यूट्यूब को पेमेंट देता है, वहां से जो है अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा लो। और फिर क्या होगा, गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट पर एड दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद में जितने आपके वेबसाइट पर व्यूअर्स आएंगे, जितने लोग आपके एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपनी वेबसाइट के एड्स पर खुद क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो अकाउंट बैन हो सकता है। वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज, आपको क्रिएटिविटी तो चाहिए कि भाई इस चीज पर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। उसके बाद में आपको एक वेबसाइट का नाम चाहिए, जिसको डोमेन बोलते हो, वो आप
GoDaddy से खरीद सकते हो या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप खरीद सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग का मतलब है कि जो वेबसाइट का डेटा है वो आप कहाँ पर रखोगे। हालांकि होस्टिंग के लिए बहुत सारे फ्री प्लान भी है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट बढ़ने लगे, अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगे, तो फिर आपको फ्री पर नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा पेड होस्टिंग ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर होती है, ज्यादा फास्ट होती है और उसका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा होता है। तो एक तरीका ये भी है वेबसाइट बनाकर के पैसे कमाने का। उसके बाद में दोस्तों एक और तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, आप बन जाओ इनकम टैक्स एडवाइजर। देखो, आपने देखा होगा कि आजकल आप चाहे टैक्स के स्लैब में आते हो या नहीं आते हो, आपको इनकम टैक्स तो फाइल करना ही पड़ेगा। और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकम टैक्स भरना नहीं आता, वो समझते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप इनकम टैक्स भरना सीख लो और फिर लोगों को मोटिवेट करो कि भाई आप लोग इनकम टैक्स पे किया करो, कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। और जब वो लोग एग्री हो जाए, इसमें एग्री होने वाली या नहीं होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, हर किसी को टैक्स भरना ही है। तो फिर अगर आप चाहो, वो लोग अगर एग्री है, तो उसके लिए अपनी कोई फीस भी डिसाइड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह से लोगों को उनको इनकम टैक्स में गाइड करके, उनकी पॉलिसीज के बारे में बता के, वहां से भी आप जो है उनसे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ना तो टाइम चाहिए और ना ही ये कोई बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद में बात करते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देना चालू कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार वो तो मैं यूट्यूब पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस वाली बात है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होता है, आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो। इसके लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, उदयमी है, अनअकैडमी है, क्यू मैथ है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स अगर आप सर्च करोगे आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके लिए आपको वही इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और हो सकता है और जो चीजें आपको चाहिए वो वही कंपनी आपको प्रोवाइड करवा दे। तो इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि उनका क्या प्लान है, वो कितने पैसे देते हैं, कितना पढ़ाने के। इसके बाद में बात करते हैं कि आप एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हो। दोस्तों, जिस तरह से वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है, उसी तरह से एंड्रॉइड ऐप बनाना भी मुश्किल नहीं है। वैसे ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और उसके डीप में जाना चाहते हो तो फिर आप उसकी लैंग्वेज सीखो। इससे क्या होगा, जब आप एक अच्छी ऐप बना दोगे तो फिर उसको प्ले स्टोर में डालो, प्ले स्टोर में डालोगे, जितने लोग उसको डाउनलोड करेंगे सेम वहीं से गूगल एडसेंस से उसको अप्रूव करवा लो, उस पर ऐड आना चालू जाएंगे, जितने ऐड आएंगे, जितने उस पर क्लिक होंगे उतने आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये भी। उसके बाद में एक और तरीका है, थोड़ा सा अलग है बट उसमें भी अच्छा खासा पैसा है, डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। जैसे मान लो google.com है, तो ये जो google.com है ना, ये एक डोमेन नेम है। फेसबुक है facebook.com, तो facebook.com एक डोमेन नेम है। तो ये सब डोमेन भी खरीदे जाते हैं। अगर आपको मान लो कोई वेबसाइट बनानी है, डांसिंग क्लास देना चाहते हो, एग्जांपल के लिए मान लो आपको चाहिए dancingclass.com, तो dancingclass.com एक तरह का डोमेन हो गया। अब मान लो आपने सोच समझ के ऐसा कोई डोमेन नेम ले लिया जो कि फ्यूचर में जिसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, या फिर मान लो आपका लक अच्छा है, उसी नाम पर कोई एक बड़ी कंपनी खुल गई, तो जब भाई कोई कंपनी खुलेगी तो उसको अपनी वेबसाइट भी चाहिए ना। तो उस टाइम पर अगर वो डोमेन किसी ने ले रखा है तो फिर वो कंपनी उसको ऑफर देगी कि भाई हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप ये डोमेन नेम हमें दे दो। तो ये लॉन्ग टर्म का एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला और कल ही आपको कमाई शुरू हो गई, ये सिंगल शॉट में कमाई होती है, ठीक है। आप पैसे डाल के बैठो, जब आपका सेल होगा, एक तरह से प्रॉपर्टी है, ऑनलाइन प्रॉपर्टी है, जब आपका सेल होगा तब हो सकता है आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है ना भी हो। तो इसमें आपको बहुत जल्दी कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपको अच्छी खासी समझ है बिजनेस वगैरह की, तो फिर आप सोच समझ के कोई डोमेन नेम खरीद करके जो है बैठ सकते हो, और हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम आए जब उस डोमेन नेम की किसी को रिक्वायरमेंट हो, तब वो आपको जो है पैसे ऑफर कर सकता है। इसके लिए भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जिसमें एक GoDaddy भी है। तो वहां पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और आपको आराम से मतलब 400-500 रुपए के अंदर एक डोमेन नेम मिल जाएगा। शुरू में तो उससे भी कम मिल सकता है, हो सकता है आपको ऑफर में $1 के अंदर ही मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डोमेन लेना चाह रहे हो, किस तरह की उसमें कंपटीशन है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप अच्छी अच्छी फोटो खींच करके एक वेबसाइट है Shutterstock, वहां पर डाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कैमरा चाहिए, आपके पास में एक कंप्यूटर चाहिए, हो सकता है आपको कई बार फोटो को थोड़ा बहुत एडिट करने की जरूरत पड़े, क्रॉप करने की जरूरत पड़े, तो आप वो अपने कंप्यूटर से ज्यादा अच्छा कर सकते हो। और जब आप एक अच्छे खासे फोटोग्राफर बन जाओगे, जब आपके स्टॉक में बहुत सारी फोटोज होगी, हजारों फोटो होगी, तो फिर उसके बाद में आपकी जो है वहां से इनकम चालू हो जाएगी। इसके लिए आपको Shutterstock का अकाउंट चाहिए और आपको फोटोग्राफी का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। देखो दोस्तों, कोई भी पैसा कमाने का तरीका जो होता है ना, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि यार घर बैठे पैसे कमाएंगे, फ्री में पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत हर चीज में करनी पड़ती है, और ये कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इन सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो है टैलेंट। आप में कोई एक खासियत होनी चाहिए, आप में वो दम होना चाहिए पहले अंदर, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप सोचिए, समझिए, बैठिए आराम से कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको 10 तरीके बता दिए इस वीडियो में। आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख करके बताइए अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको और कोई वीडियो चाहिए पैसे कमाने से रिलेटेड, या फिर आप और कोई सजेशन देना चाहते हो जहां से आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो। क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूं, टैलेंट भी सही है, पढ़ाई भी सही है, हर चीजें सही है, लेकिन इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के भाई आज के टाइम में काम नहीं चलने वाला, ये कड़वा सत्य है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।
जीत फिक्स।